ये रही हमारी मजेदार टाइप की बिरयानी। तो मैं अब ओपन करने लगी हूँ अपना ये कीबोर्ड। ठीक है, अभी मैं बिरयानी बनाकर आई हूँ। ठीक है, बिरयानी बनाने से पहले हम लोग गए थे हेयर सलोन, और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना हेयर ट्रीटमेंट कराया है एंड माय हेयर फील्स सो सॉफ्ट, बहुत मज़े के लग रहे हैं। ठीक है, और एक स्टीम सी होती है, उन्होंने वो स्टीम सी की है बालों में, और इसके अलावा कलर उन्होंने किया लाइक रीटच किया यहाँ पर, और जैन ने जब अपनी कटिंग कराई है बहुत प्यारे और क्यूट लग रहे हैं। हनी कम, लेट मी शो यू गाइस, सी आपके ऊपर मुझे छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे खुद अच्छे लगते हैं। तो आप क्यों नहीं कराते? Because he is very lazy. Okay, तो unboxing करते हैं। हम जो है वो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जल्दी जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि लेट हो जाए, क्योंकि दिस व्लॉग इज नॉट अबाउट अनबॉक्सिंग, इट्स अबाउट माई इवनिंग रूटीन, बट ऐसा इवनिंग में ही हो रहा है, इट्स लाइक 4:29। ठीक है, अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते, कैसे करें, वेयर इज द कटर, कटर लाना भूल के चेक करें काम। तो इंजीनियर साहब ने जो है वो मुझे इसकी कटर की क्या जरूरत है यार, नेल से काटते हैं, नेल से कटिंग करनी है। अच्छा जी, ठीक है जी, ये लें। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, ये कीबोर्ड कैसे, और इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये, जो कि मैजिक कीबोर्ड था वो 4000 RMB का था, तो मैंने सोचा नहीं भाई इतने पैसे नहीं है मेरे पास, एंड या तो हम लोग देखते हैं ये वाला कीबोर्ड। ये मैंने लिया है JD से, तो JD पर ये होता है कि आपको जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं और जो भी आपकी स्किन केयर से रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं ना, या अगर आप कपड़े भी बाई करते हैं आपको वहाँ से थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन ये कि आपको चीज़ एक नंबर मिलती है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी जो है वो कवरिंग है, ये मेरे आईपैड के लिए होगी कवरिंग। अब मुझे जो प्रीवियस वन है अपने आईपैड की वो चेंज करनी होगी। अब मैं टोटल आपको कवरिंग जो है वो चेंज करके उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसे आईपैड लगता है, लेकिन फिलहाल ये ऐसे है, चेक कीजिए। वाओ, इट्स सो कूल, राइट, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, और इट्स लाइक कि मुझे जो है ना वो नया मैकबुक मिल चुकी है। तो देखिए जी, आईपैड के साथ अब मेरा ये कीबोर्ड हो गया, तो आई थिंक अभी मुझे फिलहाल मैकबुक की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक कि इससे गुजारा होता है गुजारा करना चाहिए, और फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, और ना ही फजूल खर्ची करने के लिए फ़िलहाल पैसे हैं। एनीवेज, तो ये थी मेरी अनबॉक्सिंग। अब मैं आपको पूरे का पूरा जो है वो कवर चेंज करके बताती हूँ, और उसके बाद हम लोग बिरयानी खाते हैं, मैं आपको बिरयानी भी दिखाती हूँ, और फिर मैं चलती हूँ शाम की रूटीन की तरफ। तो ये है जी हमारी मज़ेदार टाइप की बिरयानी, और हम लोग इसको खाने लगे हैं अब। सो बाय द वे, इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग, दिस इज़ आवर डिनर, ऑलमोस्ट 5 o'clock हो चुके हैं चाइना में, रात को जैन का अगर दिल किया तो थोड़ी सी प्लेट खा लेंगे, और मैं खाऊंगी अपने परसिमन, आई लव, पाकिस्तान में इसको बोलते हैं जापानी फल, तो आई लव जापानी फल, आई लव परसिमन यार। और कुछ लोग अमलोक भी बोलते हैं, अमलोक भी बोलते हैं, अमलोक तो मैंने फर्स्ट टाइम सुने आपके मुंह से, रियली। ये तो अब मैं बैठ के अपना पढ़ती हूँ, और आई एम सो एक्साइटेड टू स्टडी ऑन माई आईपैड नाउ, क्योंकि डेफिनेटली मेरा न्यू कीबोर्ड आया है, और मैं आपसे मिलती हूँ 1.5 hour के बाद, या 1 hour के बाद, हो सकता है 7 बजे मैं आप लोगों से मिलूँ। इस टाइम में हो चुके हैं 5:49, मतलब 5:50 हो चुके हैं, तो हम अपना बैठकर पढ़ते हैं। ओके जी, मिलती हूँ आपसे स्टडी के बाद। सो गाइज, आई हैव डन स्टडिंग, और इस टाइम में जो है वो मैं आपको टाइम बताती हूँ कि क्या हुआ। इट्स लाइक 7:13, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है नहीं, सो इट्स लाइक 7:13, और इसकी लाइट पता नहीं मुझसे ऑन हो गई है। एनीवेज, इट्स 7:13, और अब मैं क्या करती हूँ, इसको चेंज करने लगी हूँ, जो कि मैंने फ्राइडे के लिए वेयर किया था। कुछ भी हो जाए, लाइक मुझे टाइम मिले या ना मिले, फ्राइडे को तो मैं लास्ट में लाइक थर्सडे की नाइट को मैं ड्रेस डिसाइड कर लेती हूँ कि ये ड्रेस मुझे फ्राइडे को पहनना है, और फ्राइडे को मुझे अच्छा लगता है न्यू ड्रेस वेयर करना। तो या तो मैंने ये ड्रेस फ्राइडे के लिए वेयर किया था, और अब इट्स लाइक ईशा का टाइम, यहाँ पर ईशा की अजान जो है वो 6:48 पर, लेट मी सी के 6:48 पर, मेरे पास ऊपर से नोटिफिकेशन आई हुई है, वो जल्दी हो जाती है, और अब मैं इस टाइम में ईशा की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। यूजुअली मैं 7:30 तक क्लास में पढ़ लेती हूँ, उससे ये होता है कि फिर ना मैं लेज़ी नहीं होती, अगर मैं 7:30 तक नहीं पढ़ूँ तो बाद में मैं इतना ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ ना, कि बस फिर दिल चाहता है कि मतलब यहाँ करते हुए पढ़ती हूँ, यू नो लाइक यॉनिंग। लेकिन इट्स बेटर कि अगर जैसे जान होती है फ़ौरन पढ़ लूँ, तो बस अभी मैं पढ़ती हूँ, और उसके बाद मुझे अपना ये आउटफिट जो है इसको चेंज करना है, और मैं वेयर करने लगी हूँ पजामास, क्योंकि डेफिनेटली यार बहुत कंफर्टेबल होता है, और यूजुअली मैं घर में आई जस्ट वेयर पजामास, यू नो, क्योंकि आई थिंक काफ़ी कंफर्टेबल होता है। और तो
जी चेंज मैंने कर लिया है और नमाज भी मैंने पढ़ लिया है। ये मैंने कार्डिगन वेयर किया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सर्दी आ गई है। अभी सेंट्रल हीटिंग जो है वो ऑन नहीं की गवर्नमेंट ने। सेंट्रल हीटिंग होती है कि जब ये लोग ऑन कर देते हैं ना तो पूरा घर जो है ना आपका, उसमें हीटर आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पूरा घर आपका बहुत गर्म होता है और बहुत मज़े का टेम्परेचर होता है, लाइक 36-37। मतलब आप घर में ये वाले कपड़े भी नहीं पहन सकते, जैसे बिल्कुल समर के कपड़े होते हैं ना बिल्कुल आप वैसे पहनते हो, और चाहे बाहर स्नो फॉल हो रही हो, मतलब घर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा गर्म होता है तो, और आपको जो है वो बिल्कुल भी ब्लैंकेट वगैरह लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। लाइक जो नॉर्मल जिस तरह से आप समर में जो है वो शॉल लेते हैं और जो समर के बिल्कुल थिन थिन से ब्लैंकेट होते हैं, आप वो वाले ब्लैंकेट ले सकते हो। सो या बट अभी तक जो है वो ऑन नहीं किया इनकी गवर्नमेंट ने, तो इस वजह से अभी मुझे ये पहनना पड़ रहा है। बहुत सर्दी है, 15 नवंबर को ये लोग ऑन करते हैं और 15 मार्च को बंद कर देते हैं, 4 मंथ्स के लिए ऑन होती है। तो एनीवेज अब मैं क्या करने लगी हूँ, जी वॉक। जी हाँ, बाहर बहुत सर्दी होती है तो मैं क्या करती हूँ, घर में ही वॉक कर लेती हूँ क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, बड़ा है, आई डोंट नो, लाइक वी हैव अ वेरी लॉन्ग पाथ, लाइक तो मैं यहाँ से जो है ना वो वॉक करती रहती हूँ। आई वॉज गिविन लेम एक्सक्यूजेस टू माई सेल्फ, आई वॉज लाइक कि नहीं भाई रिदा बाहर बहुत सर्दी होती है, वॉक नहीं करनी। और बट ये कि फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई बहाने नहीं चलेंगे और चलो वॉक करते हैं। तो मैं अभी अपने कैमरा को जो है वो टाइम लैप्स पर लगाती हूँ। टाइम मैं आपको बताती हूँ, इस टाइम में 8:83, ठीक है, 8:03, और उसके बाद कैमरा को मैं टाइम लैप्स पर लगाती हूँ और उसके बाद हम लोग करते हैं पूरे 15 मिनट्स के लिए वॉक, 10 to 15 मिनट्स के लिए। So let's go. तो यहाँ पर आरडी भी आप देख सकते हो कि मेरे साथ है, so cute. तो वॉक जो है वो मैंने कर ली है, जैसा कि आपने देखा कि आरटी साहब जो है वो मेरे साथ साथ वॉक कर रहे थे। ये बेचारा मुझे ऐसे ही डेली जो है वो कंपनी देता है, आरटी नो। तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैंने आज पिक्चर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी है तो मैं उसको एडिट करने लगी हूँ। यूजुअली इस टाइम में मैं 1 आवर और बैठ के पढ़ती हूँ और उसके बाद मेरी स्किन केयर की बारी नहीं, उसके बाद स्किन केयर की बारी आती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ आज। एनीवेज मुझे 10 to 15 मिनट्स लगेंगे टोटल पोस्ट करने में, कैप्शन राइट डाउन करने में और कुछ कमेंट्स का रिप्लाई करने में। तो मैं पिक्चर पोस्ट करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं आपसे मिलती हूँ। तो अब मैं इस रूम में आ चुकी हूँ और अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं लिखने लगी हूँ हैप्पी जार में। यह है जी मेरा हैप्पी जार, अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ हैप्पी जार, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आप देख सकते हैं और आपको वहाँ पर IGTV वीडियो मिल जाएगी। मेरी डेली रात को रूटीन है, डेली 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 के मैं लाजमी कुछ भी हो जाए लाजमी हैप्पी जार में लिखती हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी डेली डे की हाईलाइट्स, जो मुझे बात अच्छी लगती है, जो मुझे बात सैड लगती है, कोई भी ऐसी हैबिट जो मैं चेंज करना चाहती हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे अपने अंदर अच्छी लगती है, जो मैंने न्यू लर्न की हुई होती है या मुझे जो फ्यूचर में लर्न करनी है, वो मैं इसमें राइट डाउन कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसमें राइट डाउन करते हैं। तो अब जो टाइम आता है वो आता है जी बुक रीडिंग का, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है। और मैं 15 मिनट्स अपने हैप्पी जार में राइट डाउन करने के बाद अपने सेल फोन को मैंने दूर रख दिया, इसको मैं अब टच नहीं करूँगी और अब मैं यहाँ पर बैठकर जो है वो बुक रीडिंग करूँगी। 15 मिनट्स बुक रीड करने के बाद चाहे मुझसे 6 पेजेस पढ़े जाएँ, चाहे 7, चाहे 5, ठीक है, उसके बाद जो है यूजुअली आई स्लीप, ठीक है। तो अभी जो मुझे अपने फेस पर बायो ऑयल भी यूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बताया था, और वो मैं बुक पढ़ने के बाद ही यूज़ करूँगी या फिर मैं आप समटाइम्स पहले भी लगा लेती हूँ ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि मेरी स्किन इज़ सुपर सुपर ड्राई। और दिस वॉज माई नाइट रूटीन, आई होप यू गाइज लाइक इट। आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी स्किन केयर के लिए क्या करते हो, और इसके अलावा आप लोग मतलब एक्सरसाइज करते हैं या फिर आप लोग डिनर में लाइट डिनर लेते हैं या फिर किस तरह से, ना, आई वुड लव टू नो। और या बस ये थी मेरी नाइट रूटीन। अब मैं उठूंगी, अलार्म लगा दिया है मैंने 5:45 का, और उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी फिर कभी कि मैं क्या करूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव।